दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आइसक्रीम बनाते समय आइसक्रीम स्टेबलाइजर का प्रतिशत यानी उसका डोज कितना होता है, उसका मेजरमेंट हम लोग कैसे करते हैं कि हम कितने परसेंट में आइसक्रीम स्टेबलाइजर का उपयोग करें। दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखिए, आइसक्रीम मिक्स में आइसक्रीम स्टेबलाइजर की बहुत गहरी दोस्ती होती है एक पार्ट से, वो है फैट यानी वसा। फैट के रूप में आप क्या उपयोग करते हैं, क्रीम करते हैं, फ्रेश क्रीम जैसे डेयरी की फ्रेश क्रीम आती है, बटर व्हाइट बटर यूज करते हैं या फ्रोजन ऑयल यूज करते हैं, कोई भी फैट आप यूज करते हैं उसका कितने परसेंट हम यूज कर रहे हैं अपने आइसक्रीम मिक्स में फैट का, फैट के डोज पे ही निर्धारित होता है अपना आइसक्रीम का स्टेबलाइजर। इसकी कुछ स्लाइड्स मैंने बनाई है जो क्रमशः आपको डिस्प्ले में दिखता भी जाएगा और कैसे इसको मेंटेन करना है ये पूरी जानकारी आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं और आगे देखते हैं। Thank you.